तो देखिए, ये जो संडे रिवीजन हम लोगों का है, इसमें हम एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे। ठीक है, कैसा रिवीजन करेंगे? ब्रीफ रिवीजन करेंगे, और इसमें ये समझिएगा कि जितनी चीजें हम बताते हैं, ठीक है, जिन पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिन राइटर्स के विषय में जो चीजें हम लोग बात करेंगे, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए, एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। मींस कि ये आपके सिलेबस का एकदम क्रीम पार्ट है, ठीक है, जो कि एकदम से आपके जुबान पर होना ही चाहिए नेट या जेआरएफ के लिए। ठीक है, अगर ये चीजें आपको याद नहीं है, आपको अगर बोल दिया जाए कि इस तरह से इसकी स्टोरी सुनाते चलिए, तो आप नहीं सुना सकते हैं, तो फिर ये एक मतलब दुखद स्थिति होगी। इतनी चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। तो पहला काम आपको करना है कि आप इस इतने पार्ट को एकदम से रट लेंगे। हम बार बार बात करते आए हैं, सपोज दैट ये पूरा सिलेबस, मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है, जो कि आपका पूरा सिलेबस कवर करती है, ठीक है, और उसमें यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है जो कि इसका सेंटर है, बात समझे कि नहीं? तो ये सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और इस सेंटर के अराउंड में जो चीजें होंगी, पहले उसको हम लोग क्या करें, कवर करें, ठीक है, और जब इस सेंटर को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, तो इसके और बगल की चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, फिर और आगे होगा सिलेबस। इस तरह से अगर मान लीजिए सिलेबस आपका एक्सपेंड हो रहा है, सपोज दैट ये आपका सिलेबस जो है एक्सपेंड हो रहा है, इसको जो है हम लोग और डिटेल 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 करते जाए, ठीक ना? तो पहला काम क्या होना चाहिए कि ये इतना जितना मान लीजिए आपके पास है, या जिसको हमने कह दिया कि ये जो है आपका कोर पार्ट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, तो उसके बाद क्या करिए, आप उसके आगे का पार्ट कवर करिए, ठीक ना? लोग इस बात में परेशान रहते हैं कि क्या उनको ऐसा मिल जाए कि वो पढ़ लें और उनका क्वालिफाई हो जाए, और उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, जो उनके पास अवेलेबल है उसको छोड़ते रहते हैं। सपोज दैट आपने इतना भी कर लिया, तब आप क्या करिए, उसके आगे की चीजें पढ़िए, ठीक है, तब आप अगला, इस तरह से चीजों को आप एक्सपेंड करते जाइए, लगातार बढ़ाते जाइए। तो पहला जो ये कोर पार्ट है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो आपका ये कोर पार्ट है, बात समझे कि? जो हम इस रिवीजन में बात करेंगे वो आपके सिलेबस का जिस्ट है। अगर हम आपके सिलेबस, आपके एग्जाम को जो है दूध से कंपेयर करें, तो ये जो हम इस रिवीजन में कराने जा रहे हैं, ये उस दूध की मलाई है, उस दूध का मक्खन है, ठीक है, जो कि आपको एकदम से याद होना चाहिए। और हम लोगों ने बात की कि इसको हम लोग संडे संडे करेंगे, आज पहला संडे था और संयोग से मैं घर पे हूं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, और हम लोग शाम को कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों की कोशिश होगी कि आगे से संडे हम लोग बेटर काम कर पाए, ठीक है, संडे को करेंगे, और संडे संडे में हम लोगों की कोशिश होगी कि पूरी वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर अप कर लें, ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का रिवीजन होना है, उसको किस पर करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, ऑन टाइमलाइन, ठीक है, मीन्स टाइमलाइन के थ्रू हम लोग क्या बात करेंगे, जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उस पर यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो दो बातें, पहली बात क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ब्रिटिश हिस्ट्री, फिर उसके बाद आगे की हिस्ट्री जो इंग्लिश लिटरेचर की है, और इसको किस बेस पर करेंगे, टाइमलाइन की बेस पर। दूसरी चीज है, जितनी यहाँ पर हम लोग चीजें या पॉइंट्स की बात करेंगे, वो सबके सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उतना आपको टिप्स पर याद होना ही चाहिए, ठीक है। और ये आपकी क्लास के बाद मुझे लगता है कि मैं इसको सबके लिए अपलोड कर दूंगा, फ्री में सबके लिए अवेलेबल रहेगा, पहले आपके लिए भी रहेगा, उसके बाद इसको मैं एक पब्लिक मोड में अवेलेबल करा दूंगा, कोई भी इसको पढ़ ले, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, और शुरू करते हैं अपना ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ होती है, द टाइम इन राउंड अबाउट दैट इज 450, और यहां से बिगिन होता है आपका एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, ठीक है।
एंग्लो सैक्सन पीरियड इसको कहा जाता है, और ये कब तक चलता है? 1066। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या कहा गया? एंग्लो सैक्सन। क्लियर। और इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो दूसरा ईयर यहां पर 1337 हमने लिखा है वो क्या है? वो ईयर है किसका? ईयर है बर्थ ऑफ चासर, और उसी के बाद शुरू होता है, सॉरी 1337 जो है वो ईयर है 100 ईयर्स वार की बिगनिंग का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहीं पर बढ़ जाएं और आपको लिखें तो आपको मिल जाएगा ईयर 1340। ठीक है, ये जो है बिगिनिंग ऑफ एज ऑफ चासर। ठीक है, तो चासर के पहले का ये जो पूरा टाइम है, दिस टाइम इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड इंग्लिश। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन। ठीक है, और ये जो डेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप लिखेंगे वार ऑफ हेस्टिंग्स, वार ऑफ हेस्टिंग्स। क्लियर, इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर किंग कौन बनता है? किंग बनता है विलियम ऑफ नॉर्मेंडी, विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। मैं विलियम ऑफ नॉर्मेंडी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कहां से ये आया था ये बात आपको याद हो जाए, और इसी को क्या कहा जाता है? विलियम द फर्स्ट, विलियम द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, क्लियर। अब यहां इस टाइम पीरियड में जो आपके अवेलेबल वर्क्स हैं उनकी भी जरा अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो उनमें से कुछ वर्क्स आपको, ये मैं पूरा आपको बात कर रहा हूं दोनों, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन। ठीक है, तो उसमें आप अगर लिटरेचर की बात करेंगे तो आपको एक पढ़ना है बीवुल्फ। ठीक है, बीवुल्फ इज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश। ठीक है, और ये जो है प्रॉपर इंग्लिश में नहीं है, ओल्ड इंग्लिश का एपिक है, और इसका जो टाइम है वो लगभग 7th सेंचुरी। ठीक है, 7th सेंचुरी के लगभग में माना जाता है। दूसरा जो आपको लिखना है वो है विडसित। ठीक है, ये वर्क्स आपको नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, और एक वर्क आप याद रखेंगे, सी फेयरर, सॉरी सी फेयरर। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी आपको वर्क्स मिलेंगे वो सारे के सारे रिलीजियस वर्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर एक पोएट है उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट राइटर है जिसका नाम है साइन वुल्फ। ठीक है, साइन वुल्फ ये क्या है? पोएट है। ठीक, कभी कभी इसको एक बात मानी जाती है दैट साइन वुल्फ इज द राइटर ऑफ बीवुल्फ, बट दिस इज अ कंट्रोवर्सियल मैटर, एंड बीवुल्फ का राइटर कौन है ये चीज एनोनिमस ही मानी जाती है। ठीक है, मोस्टली ये जो है इनका जो टाइम पीरियड है 1066 के पहले का है, और सेकेंड हाफ की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं एंग्लो नॉर्मन, उसमें अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर बिगनिंग है किसकी? 100 ईयर्स वार की। ठीक है, और कई सारी उथल पुथल की चीजें हैं जिन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो वर्क्स की बात करें तो उसमें एक आपको मिलेगा कक्कू। ठीक है,
वर्क्स की बात करें तो मिलेगा क्या, ककू। ये पोएम है, क्या है, पोएम है। दूसरा एक आप याद रखेंगे, सर गोयान एंड द ग्रीन नाइट, इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड द ग्रीन नाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है, टाइटल बेसिकली आपको यहां से चीजें देखनी, बहुत डिटेल में यहां से आपको ना पढ़ना है और ना ही कोई क्वेश्चन डिटेल से आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहां तक तो इतनी बातें थी जिसको हम लोग सिंपली खत्म कर सकते हैं, क्या, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, जिसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। इतनी बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये एज ऑफ चासर बिगिन कहां होता है, 1340 में बिगिन होता है, बट यहीं पर एक आपको ईयर मिलता है क्या, 1337, ठीक है। तो 1337 की बात हम लोग करते हैं आगे, देखिए बीच में आपका अगर कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत जो है उस क्वेश्चन को आप हैंड रेज करके या फिर माइक को अनम्यूट करके या फिर जो है किसी मैसेज के माध्यम से आपको पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डेट मैंने आपको बात की कि 1337, तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट है और यहां से बिगिन होता है 100 ईयर्स वॉर, 100 ईयर्स वॉर, देखिए ईयर्स पे एपोस्ट्रॉफी लगेगा, ठीक है, 100 ईयर्स वॉर किसके किसके बीच था, इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। बाकी हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे। और ये एक चीज क्या है इसमें याद रखना है, सीरीज ऑफ वार्स, ठीक है, वार की एक सीरीज है, ठीक है, लास्टेड मोर देन 100 ईयर्स, ठीक है, 100 ईयर्स से ज्यादा ये चलता है। एंड कब होता है, यहीं पर एंड की डेट हम लिखा देते हैं, एंड होता है ये अगली सेंचुरी में जाकर के, जहां पर डेट थी 1453, ठीक है, याद रखिएगा 1453, क्लियर। बात यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी अगर याद रखे तो हमने आपको पढ़ाई है 3 और बैटल्स जहां पर इंग्लैंड जीतता है, उन चीजों को भी याद रखें, लेकिन क्वेश्चन शायद ही बने। यहां पर बेसिकली याद रखना है कि इंग्लैंड इस टाइम में मींस की चासर का एज बिगिन होने से पहले, मींस की बिफोर द बर्थ ऑफ चासर, इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड एक सीरीज ऑफ वार में उलझा था, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है। और ये कितने समय तक चला, 100 ईयर्स से ज्यादा चलता है, खत्म कब होता है, 1453 में खत्म होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आपको एक ईयर मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं 1340 और 43, दो हमने यहां साइड बाय साइड लिखे हैं। 1340 को हम मानते हैं क्या, एज ऑफ चासर की बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्ट्स, ठीक। एंड ये जो हमने यहीं पर बगल में लिख दी है 1343, दिस इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ चासर, ठीक है, चासर के बर्थ का ईयर है। लेकिन एक राउंड फिगर में हम लोग जो एज ऑफ चासर को मानते हैं वो 1340 से माना जाता है, क्लियर। इतनी सी बातें चासर के विषय में हम लोग इनके वर्क्स में आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल हिस्ट्री के नाम पर इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। जरा सा आगे बढ़िए, फिर इसी टाइम में जो 100 ईयर्स वार का टाइम है या एज ऑफ चासर है
उसी में एक बड़ी चीज आती है, बड़ा इवेंट होता है, बड़ी घटना घटती है, जिसको ईयर क्या है 1348, और इसको कहते हैं ब्लैक डेथ। ठीक है, ब्लैक डेथ मींस इज एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग। ठीक है, कहाँ फैली थी? इन यूरोप। ठीक, यूरोप में फैली हुई थी। और दूसरी खास बात क्या है, यूरोप में कब से कब फैलती है? ये 1346 to 49, सॉरी 1349, कब से कब तक? यूरोप में इसका जो टाइम है 1346 to 1349, लेकिन इंग्लैंड में कब पहुंचती है? इन 1348। ठीक है, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया ब्लैक डेथ। इसमें हुआ क्या था? अबाउट 2/3 ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन ब्रिटिश पॉपुलेशन डाइट। ठीक है, मतलब अगर वहां पर कितने लोग थे, 3,000 की अगर मान लीजिए जनसंख्या थी, तो उसमें से बचे कितने? केवल 1,000 बचे, 2,000 जो है क्या हो गए, मर गए। बात समझ आई? क्लियर। तो ये था असर उस एपिडेमिक का इन द ईयर्स 1348। क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने एक पहला एज देखा था, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एज ऑफ चासर की। एज ऑफ चासर में क्या क्या होता है? एज ऑफ चासर हम लोगों ने देखा कि बर्थ कब है चासर की, 1343। एक राउंड ऑफ में हम क्या मानते हैं कि 1340 से एज ऑफ चासर बिगिन होता है। उसके पहले की एक घटना बिगिन होती है जिसको कहते हैं 100 ईयर्स ऑफ वार। ठीक है, कब बिगिन होता है? 1337। यहीं पर एक बड़ी चीज मिलती है आपको, 1381। 1381 दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक पहला जिसको कहते हैं पीजेंट्स रिवोल्ट्स, पीजेंट्स रिवोल्ट। ठीक है, किसानों का विद्रोह था। ठीक, दूसरा जो है जिसको कहते हैं लोलार्डिज्म, या फिर इसको कहते हैं लोलार्ड मूवमेंट। इसी को लोलार्डी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात समझ में आई? ये किसकी लीडरशिप में था? इन द लीडरशिप ऑफ, इन द लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ की लीडरशिप में जो है ये एक मूवमेंट था। और लोलार्ड किसको कहा गया? ठीक है, क्वेश्चन बनता है, यहीं पर आप लिख लीजिए लोलार्ड्स। ठीक है, लोलार्ड किसको कहते हैं? द फॉलोअर्स ऑफ, फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? लोलार्ड्स। ठीक है, और यही मूवमेंट था लोलार्ड्स मूवमेंट। और यही 1381 में क्या होता है? पीजेंट्स रिवोल्ट। और इन सारी चीजों का जो है एक रीजन क्या था? इन सारी चीजों के पीछे रीजन था डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन क्यों आया? बिकॉज यहां पर आई ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ से क्या हुआ? यहां पर दो प्रॉब्लम आई। एक तो यहां पर जो रिलीजियस बिलीफ था उसको बड़ा धक्का लगा। बिकॉज कि इसके पहले जो प्रीस्ट थे वो क्या करते थे, पार्डन बेचा करते थे, और तमाम तरह की जो है करप्शंस थे रिलीजन में। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि ब्लैक डेथ आने पर सब एकदम से लेवलर की तरह सब मर गए, 2/3 पॉपुलेशन मर गई। तो यहाँ पर रिलीजन पर क्वेश्चन मार्क लगा कि अगर हमने पार्डन ले रखा है तो व्हाई आई एम डाइंग। ठीक है, दूसरा पीजेंट्स रिवोल्ट का एक बड़ा कारण यही था कि जब 2/3 पॉपुलेशन मर गई, तो
ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन जब खत्म हो गई तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मजदूर लेबरर मिलने बंद हो गए। ठीक है, जब लेबरर नहीं मिले, लेबरर की जो है वेजेस वेरी हाई हो गई, तब वहां पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह होता है। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है 1382। 1382 में एक जो बड़ी चीज आती है वो है बाइबल। ठीक, कौन सी बाइबल यहां पर आती है? जॉन वाइक्लिफ्स बाइबल। जॉन वाइक्लिफ्स बाइबल, ठीक है, ये एक्चुअली में एक ट्रांसलेशन था, कंप्लीट ट्रांसलेशन नहीं था, सिर्फ आपको ये ईयर याद रखना है, बाद में इसको इनके स्टूडेंट्स ने, इनके फॉलोअर्स ने पूरा किया था। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ इतनी सी बात यहां ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं चासर के वर्क्स में, जो आपको बेसिकली पढ़ना है, जिस पर विशेष फोकस देना है, वो है कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स के विषय में हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स लिखते हैं। पहली बात क्या है, इनकम्प्लीट वर्क है। कैसा है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट वर्क। दूसरी बात लिखते हैं, चासर रोट दिस वर्क अंटिल हिज डेथ। इन 1400, ठीक है, 1400 में चासर अपनी डेथ तक इसको लिखता है। ठीक है, जब डेथ तक लिखता है तो इसका पब्लिकेशन कब होता है? पोस्ट ह्यूमस इनकम्प्लीट पब्लिकेशन। इनकम्प्लीट पब्लिकेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट पब्लिकेशन होता है कब? आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, डेथ के बाद इसका एक इनकम्प्लीट पब्लिकेशन होता है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है प्रोलॉग प्लस टेल्स। ठीक है, प्रोलॉग में इंट्रोडक्शन है ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक, और टेल्स में 24 टेल्स हैं। ठीक है, जिसमें से दो टेल जो है इनकम्प्लीट है। क्लियर, तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक इन है, ठीक है, जिसका नाम है टबार्ड इन। टबार्ड इन, ठीक है, इसी इन में ये लोग मिलते हैं। कहां पर जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू, अच्छा, पिलग्रिम्स यहां पर हमने लिखा, यहीं पर लिख लीजिए कहां जा रहे हैं, गोइंग टू कैंटरबरी। कैंटरबरी जा रहे हैं, और कैंटरबरी में क्या है? श्राइन ऑफ सेंट थॉमस ए बेकेट, थॉमस ए बेकेट, ठीक है, थॉमस ए बेकेट। अब इनका पूरा पूरा नाम एग्जाम में एक बार पूछा गया है, थॉमस बेकेट, थॉमस ए बेकेट, इस तरह के ऑप्शन में दे करके पूछा गया। कहां पर जा रहे थे ये सबके सब, कितने पिलग्रिम्स थे, कहां जा रहे थे? कैंटरबरी, और कैंटरबरी में क्या है? सेंट थॉमस ए बेकेट का एक श्राइन। क्लियर, इतनी बातें आपको एकदम परफेक्ट। अब नंबर ऑफ पिलग्रिम्स भी पूछा जाता है, आप लिखिएगा 29। 29 को आप डैश करके लिखिएगा प्योर पिलग्रिम्स, ठीक है, प्लस टू। प्लस टू कौन थे? ये टू में दो थे, एक थे मिस्टर चासर, चासर द पिलग्रिम,
ठीक है, चासर द पिलग्रिम। दूसरा कौन था, हेरी बेली। हेरी बेली द ओनर ऑफ द इन। ठीक है, बात समझ में आ गई। फर्स्ट टेल किसकी है, फर्स्ट टेल किसने कही, नाइट ने। ठीक है, यही कौन था, ये विजेता था, विनर था। ठीक है, विनर था तो रिवार्ड क्या मिलना था, रिवार्ड था फ्री मील। रिवार्ड जो था उसको क्या था यहां पर, फ्री मील। ठीक है, जज कौन था, यहीं पर आप कहीं मेंशन कर लें, या फिर यही यही हेरी बेली को आप मार करके लिखिए जज। ठीक है, तो ये इतनी बेसिक बेसिक बातें, वैसे तो बातें यहाँ पर बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन इतनी अभी हमने एक बेसिक चर्चा कर दी। तो बाकी चीजें फिर से हम लोग आगे जैसे जैसे इनका नाम आता जाएगा वहां पर हम लोग चर्चा करते जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, थॉमस बेकेट मर्डर इन द कैथेड्रल वाले हैं क्या। हाँ नीरज, सही कह रहे हो। अब यहीं पर आप चाहें तो एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं, यहीं पर आप मेंशन कर लें, हिज मर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ इलियट्स वर्क। ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल, यहां जगह नहीं है, आप लोग नाम मेंशन कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वही थॉमस बेकेट हैं जो कहाँ आते हैं, टीएस इलियट के वर्क में। ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इतनी बातें आप लोग विशेष रूप से याद रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन, जरा बात जनरल सी बात पूछते हैं।